आराम से आराम से आराम से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारा सौभाग्य है इष्टदेव कुलदेव ग्रामदेव इष्टामदेव सर्वे दिवे व्योम सत्येश्वर महादेव आय नमः। हाथ में थाली बरकारे सर्वदा सुनाम प्रदान विष्णु कन्वर्तन जम कन्वर्तन जय सर्वे लोकना तेनावते सामने राजा ईशा से नाथना श्री जी मुझे पूरा विश्वास है कि चंपावत के साथ साथ पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रयासों में जब करेंगे। मैं हमारे मानस खंड की जो झांकी है उस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं भाइयों में पूरी दुनिया के अंदर योग और अध्यात्म की धरती मानने के लिए सोहा अर्थात ठीक प्रकार से परिचित हो रही है। हमें एक समय ऐसा था कि हमें साफ सफेदों का जो देश महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भगवान सप्तेश्वर महादेव मंदिर के देवभूमि के आप सबके कर्म दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को आज इस एक आधारशिला रखी गई आगे के काम और सप्तेश्वर महादेव पर आज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर चार योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से सप्तेश्वर महादेव की भूमि ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है, सांस्कृतिक रूप से हमारे पौराणिक रूप से चली आने वाली भूमि। यहाँ का विकास हमारी प्राथमिकता है और यहाँ तक सड़क पहुँचे, यहाँ तक अन्य स्थान पहुँचे, यहाँ पर स्नानगार, उन सब पर निकट भविष्य में काम किया जाएगा और एक आदर्श रूप में ये क्षेत्र विकसित हो और सभी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा ये क्षेत्र बने, उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे क्षेत्रवासियों का सभी का मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूँ और महाशिवरात्रि पर सभी को शुभकामनाएं। इस अवसर पर जो मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि श्यामलाताल झील में पूरे राज्य के अंदर जो हमारी योजना चल रही है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन उसके अंतर्गत पर्यटन संरचनाओं के लिए DPR को जो बनी है DPR उसको जल्दी ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। दूसरा बाराकोट ब्लॉक हेडक्वार्टर क्षेत्र में जो रोड है उनका डामरीकरण किया जाएगा। गोरलचोड़ मैदान को स्टेडियम का स्वरूप दिया जाएगा, इसके लिए विस्तृत DPR बनाई जाएगी। टनकपुर स्थित साहसिक खेल केंद्र को संचालित करते हुए एरो स्पोर्ट्स गतिविधियां एवं आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा और यह पूरा ही स्थान जो हमारा सप्तेश्वर महादेव का स्थान है इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और यहाँ पर स्नान घाट की जो बात करी है, हमारे स्नान घाट और यहाँ पर